हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल के शेयर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं इसके फंडामेंटल्स देखूंगा, इसके बैलेंस शीट देखूंगा, इसका एनालिस्ट फोरकास्ट देखूंगा 1 सालों का, इसके कॉम्पिटिटर्स देखेंगे, इसका होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, न्यूज़ इवेंट्स और कुछ भी कुछ कुछ की पॉइंट्स के बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, 1600 रुपये का ये शेयर है। दोस्तों दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ। दोस्तों, किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें पहले उस शेयर के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों दोस्तों ये जो शेयर हैं, इसके ये सारे ब्रांड्स हैं। दोस्तों पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों ये जो कंपनी है, ये प्रताप सिंह रेड्डी उन्होंने फाउंड की थी 1983 के अंदर, और ये हेल्थ केयर का केयर जो बिजनेस है उसके अंदर ये काम करती है। मतलब ये कंपनी अराउंड 37 ईयर्स ओल्ड है दोस्तों, और ये इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो तमिलनाडु चेन्नई के अंदर है। दोस्तों चेन्नई जो सिटी है उसके अंदर है, और बेसिकली ये जो कंपनी है अपोलो हेल्थ केयर, ये हॉस्पिटल की जो कंपनी है दोस्तों, ये बेसिकली साउथ एशिया और मिडल ईस्ट के अंदर, मिडल ईस्ट जो एरिया है इंडिया का, दोस्तों बाहर नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया के अंदर ये सर्व करती है। दोस्तों ये जो कंपनी है दोस्तों, ये बेसिकली हॉस्पिटल की चेन चलाती है, और उसके अंदर बहुत सारे उनके बिजनेस रहते हैं। दोस्तों इसके अंदर अपोलो फार्मेसी करके हैं, तो अपोलो फार्मेसी भी 18 स्टेट के अंदर है, और इसके अराउंड 3000 से भी ज़्यादा आउटलेट्स इंडिया के अंदर एज ऑफ नाउ हैं दोस्तों, अपोलो फार्मेसी के। दोस्तों उसके अलावा ये जो कंपनी है उसके अंदर अपोलो वाइट डेंटल आते हैं, जिस जो अराउंड इसके 75 सेंटर्स हैं अक्रॉस द इंडिया, 18 सिटीज़ के अंदर। मतलब मेजरली ये क्या, जो मेजर सिटीज़ है उसी को टारगेट करते हैं। तो वाइट डेंटल करके भी ये डेंटल जो क्लिनिक्स है उसके अंदर भी ये कंपनी है। दूसरा दूसरी बात ये है दोस्तों, ये उन्होंने 2015 के अंदर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चालू किया, जिसके अंदर आस्क अपोलो नाम का एप्लीकेशन और ऑनलाइन वेब सर्विस चालू की, जिससे डॉक्टर जो है वीडियो कॉल के थ्रू और ईमेल्स के थ्रू अपने जो पेशेंट्स हैं उसको एक्चुअली सर्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो ये जो आस्क अपोलो जो एक्चुअली उन्होंने जो चालू किया वो बहुत ही बढ़िया है। और इस उन्होंने 2016 के अंदर अफ्रीका और केनिया के अंदर ये सर्विसेज अभी चालू की हुई है, इंडिया एज वेल एज केनिया एंड साउथ अफ्रीका के अंदर ये कंपनी ये जो सर्विसेज चालू की है। उसके अलावा अपोलो डायग्नोसिस करके उनकी चेन है, और इन डायग्नोसिस के अंदर दोस्तों 90 से ज़्यादा उनके ये डायग्नोसिस लैब है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों इसके इन लो अपोलो ग्रुप के दोस्तों, इस ये जो अपोलो हॉस्पिटल है उसके अपोलो फर्टिलिटी करके उनके जो हॉस्पिटल्स हैं, और इसके अलावा हॉस्पिटल की चेन है, और 15 15 एक्चुअली इसके अंदर, इसके हॉस्पिटल्स अभी इंडिया के अंदर है दोस्तों, 10 डिफरेंट सिटी के अंदर। और उसके अलावा दोस्तों इन लोगों के अपोलो के चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी है, जो कि 11 है एज ऑफ नाउ 6 सिटी के अंदर। और इसके अलावा दोस्तों इनके 140 क्लिनिक भी है दोस्तों अक्रॉस द इंडिया, और ओवरसीज भी है दोस्तों। तो ये सारे बिजनेसेस के अंदर ये जो अपोलो हॉस्पिटल है ये कंपनी काम करती है। दोस्तों इसका, इस कंपनी का और अपोलो टायर का कुछ भी कनेक्शन नहीं है दोस्तों। बहुत लोगों ने मुझे पूछा ये अपोलो ग्रुप की कंपनी, अपोलो टायर वगैरह, ये इनका कुछ कनेक्शन है? दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, अपोलो टायर का और इनका कुछ भी कनेक्शन है नहीं है दोस्तों, ये बात ध्यान में रख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रांड्स की बात करें, जैसे मैंने बताया था अपोलो फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, तो ये सारे हॉस्पिटल चेन वगैरह, ये सारा बिजनेस है दोस्तों। ये बिजनेस जो है जब तक दुनिया रहेगी ये बिजनेस रहेगा दोस्तों। तो ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों कि इसकी ज़रूरत सबको लगती है, और एज आप तो जानते हैं कि कोविड के बीच में इसकी डिमांड कितनी बढ़ चुकी है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में।
दोस्तों की पॉइंट की बात करें तो ये एक मिड कैप कंपनी है, 22,900 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों। लो रिस्क है, इसके अंदर वोलेटिलिटी कम रहती है। दोस्तों पी रेशियो की बात करें तो 49 का पी है। पी रेशियो के हिसाब से कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड और महंगी लग रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करें दोस्तों तो 6.44 है, मतलब बुक वैल्यू से अराउंड 6.4 गुना ये ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड बहुत कम देती है दोस्तों। और टिकर टेप की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर टिकर टेप पे लिखा गया है, गुड टाइम टू कंसिडर स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। दोस्तों अब इसका चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। आज के दिन इसके अंदर लगभग 2.73% की गिरावट हुई है दोस्तों। वन वीक की बात करें दोस्तों तो 1% का घाटा होता हुआ दिख रहा है, शेयर होल्डर को निगेटिव रिटर्न दिखाया है। वन मंथ की बात करें यहाँ पे दोस्तों तो निगेटिव 5% का रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। एक साल की बात करें दोस्तों 7% का प्रॉफिट आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस दोस्तों। पिछले 5 सालों के अंदर जिसने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी उसको 18% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो ग्राफ है 5 सालों का मुझे अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं मैक्स डेटा दोस्तों, पिछले 20 सालों का डेटा। 20 सालों का डेटा अगर देखे तो डेटा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 1200% का रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिया हुआ है। मतलब किसी ने अगर 100 रुपये डाले होते 20 साल पहले तो उसको उसका पैसा 12 गुना हो जाता दोस्तों। दोस्तों आप देख लेते हैं किसी ने अगर इसके अंदर सिप की होती 5 सालों तक तो उसका भी उसको भी 25% का रिटर्न मिलता, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। अब देख लेते हैं इसका फोरकास्ट दोस्तों। 21 एनालिस्ट ने इसको एनालाइज किया हुआ है और 95% एनालिस्ट इसको बाय की रेटिंग दे रहे हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं प्राइस ट्रेंड दोस्तों। इसके अपर साइड 30% की है और अपर साइड 30% होके ये शेयर जा सकता है 2102 रुपये का। अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्चुअली ग्रोथ नहीं हुई तो यहाँ से ये अपर साइड दिखा सकता है 11% की, और इसकी प्राइस हो सकती है 1786 रुपये। और लोअर साइड अगर होगी तो 16% यहाँ से ये गिर सकता है दोस्तों, और उसकी प्राइस हो जाएगी 1337 रुपये। दोस्तों लोअर साइड कम है और हायर साइड ज़्यादा है, तो ये यही एक्चुअली पॉइंट मुझे ज़्यादा पसंद आता है, जिसके अंदर लो हायर साइड ज़्यादा होती है और लोअर साइड कम होती है, ऐसे शेयर ही मुझे पसंद आते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों इसके फाइनेंशियल क्या है दोस्तों। फाइनेंशियल की बात करें यहाँ पे तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, तो 17% से ईयर ऑन ईयर पिछले 5 सालों में ग्रो किया है इस कंपनी ने, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम जो है ईयर ऑन ईयर जो है वो 6% का है, जो कि थोड़ा सा कम है इंडस्ट्री एवरेज से। अब हम देख लेते हैं कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कितना है दोस्तों। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास बहुत है, 779 करोड़ रुपीस का फ्री कैश फ्लो है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं इसके कॉम्पिटिटर के बारे में दोस्तों। इसके कॉम्पिटिटर हम देखें तो डॉक्टर लाल पाथ लैब, फोर्टिस हेल्थ केयर, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर दोस्तों। इसमें मुझे जो पसंद है वो डॉक्टर लाल पाथ लैब और फोर्टिस हेल्थ केयर है। तो ये सारी कंपनियां बहुत ही बेहतरीन अच्छी कंपनियां है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं इसका होल्डिंग पैटर्न दोस्तों। होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास 30% की होल्डिंग है सॉरी, और म्यूचुअल फंड के पास 8% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के पास 15% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास बहुत ही मेजर 46% की होल्डिंग है, अदर पार्टीज मतलब आप और मेरे जैसे लोग उनके पास 7% की होल्डिंग है दोस्तों। प्रमोटर ने उनकी जो 11% की होल्डिंग है वो गिरवी रखी हुई है, वही एक वरी वाली बात दिख रही है मुझे दोस्तों। फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीनों ने इसके अंदर होल्डिंग बढ़ाई है,
एफआई का डाटा देख लेते हैं। एफआई ने भी इसके अंदर होल्डिंग बढ़ाई है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में इसके अंदर प्राइस हाइक हो सकती है। दोस्तों इसके अंदर न्यूज देख लेते, कोई टारगेट दिया हुआ है क्या ऐसा कुछ? किसी ने टारगेट नहीं दिया कुछ भी। इवेंट्स देख लेते हैं, कुछ डिविडेंड आ रहा है क्या दोस्तों? 17 सितंबर को इसका डिविडेंड आने वाला है, देने वाली 2.75 रुपीज का डिविडेंड देने वाला है ये कंपनी। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान में रखिए, डिविडेंड के चक्कर में कोई भी शेयर मत खरीदना कभी भी, डिविडेंड आने वाला है। कॉर्पोरेट एक्शन देख लेते हैं, कोई बोनस या कुछ शेयर स्प्लिट। दोस्तों 2010 में इसने शेयर स्प्लिट किया हुआ था, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू बदल के 5 रुपये की थी, तो ये ठीक है। अब देख लेते हैं इसको कौन से प्राइस पे बेसिकली खरीदना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक बात मुझे ठीक नहीं लग रही, 5 सालों का मैं अगर डेटा देखता हूँ ना यहाँ पे दोस्तों, तो ये कंसोलिडेट कर रहा है एक्चुअली इसी प्राइस में वो कंसोलिडेट कर रहा है, और अभी ये एक्चुअली कुछ सालों में ऊपर चढ़ा है। तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा 1400 के नीचे अगर ये आपको मिलता है, 1400 के नीचे तब भी आप इसके अंदर एंट्री कीजिए। 1400 के नीचे दोस्तों इसका लो था 1050 रुपये का लगभग, और 1800 रुपये का हाई है। दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा 1400 के नीचे आप इसको बाय कर सकते हैं दोस्तों, मगर बल्क में बाइंग मत कीजिए, और आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें इस शेयर का ज़्यादा शेयर मत रखिए। मतलब ये शेयर मैं सजेस्ट करूँगा आपके पोर्टफोलियो में आपको रखना ही है दोस्तों, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये लगे, पर फिर भी रखना है दोस्तों तो फिर 2 या 3% रख सकते हैं, क्योंकि आप 5 साल का डेटा देखिए, ये डेटा थोड़ा सा हॉरिबल लग रहा है मुझे। आगे जाके हो सकता है ये अच्छा रिटर्न दे, मगर 1400 के नीचे अगर आपको ये मिलता है तो आप बाय कीजिए दोस्तों। दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि 1400 का रेट अभी आएगा नहीं, अभी इसके अंदर ये ऊपर ही चला जाएगा। दोस्तों ट्रेन छूटती है तो छूटने दीजिए, शेयर मार्केट में ऐसे मौके आते रहते हैं, मगर अच्छे शेयर अच्छे रेट के अंदर जाना किसी भी शेयर के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। दोस्तों आपका जो 70% इन्वेस्टमेंट का पैसा जो है वो हमेशा म्यूचुअल फंड, बैंक FD, गोल्ड, रियल इस्टेट उसके अंदर लगाइए, 30% पैसा जो है वही सिर्फ शेयर मार्केट के अंदर लगाइए दोस्तों। दोस्तों पैसे की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, शेयर मार्केट जो होता है काफ़ी वॉलेटाइल होता है, तो मेरा ये बेसिकली सेफ सजेशन होता है। मैं मोस्टली मेरा खुद का जो पैसा है मैं म्यूचुअल फंड के अंदर लगाता हूँ ज़्यादातर पैसा, और मेरा जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही कम रखता हूँ दोस्तों। मतलब मैं 25 से 30% ही शेयर मार्केट के अंदर खुद पैसे लगाता हूँ दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं लगाता सेविंग का जो भी मेरे पैसा है, और मैं म्यूचुअल फंड के अंदर या गोल्ड FD के अंदर ही पैसा रखता हूँ नॉर्मली। दोस्तों आपको कुछ भी शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी डाउट और क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।